मैं WhatsApp का 6 यूजफुल ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहला जो ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक कांटेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ये सिंबल डालना है, ये वाला स्टार वाला सिंबल। ये वाला स्टार वाला सिंबल डालने के बाद आप कुछ भी लिखे, जैसे कि हेलो, उसके बाद ये वाला स्टार वाला सिंबल से ही आप क्लोज करना है आपको। तो देख सकते हैं बोल्ड लेटर्स में आ चुका है, तब यहाँ पर ऐसे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इटालिक फॉन्ट में अगर आपको लिखना है कुछ, तो आप उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अंडरस्कोर डालने के बाद यहाँ पर आपको हेलो टाइप करना है, या कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से अंडरस्कोर से आपको क्लोज करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हेलो इटैलिक टाइप में आ चुका है। और यहाँ पर जो स्ट्राइक, अगर आप कुछ लिखते हैं उसके ऊपर स्ट्राइक लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाना है आपको, ये वाला। तो ये वाला सिंबल मैंने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं हेलो टाइप करता हूँ, उसके बाद वही सिंबल से मैं ये क्लोज कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्राइक आ चुका है। तो ये था फर्स्ट ट्रिक। जो ट्रिक है, आपके व्हाट्सएप में तो ग्रुप होगा ही, तो वहां पर आपको हर वक्त मैसेज आते ही रहते होंगे। वो एक तरह का डिस्टरबेंस है, उसे आप म्यूट कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर ग्रुप को आप म्यूट कर सकते हैं। वो कैसा करना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर वो कोई भी एक ग्रुप लेना है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला 3 सिंगल में दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोर में जाना, सॉरी मोर में नहीं, यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशन में जाने के बाद 8 आवर्स 1 वीक 1 ईयर आप कर सकते हैं म्यूट। तो यहाँ पर मैं फिलहाल 8 आवर्स के लिए मैं म्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जितना भी मैसेजेस आए मुझे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप इसको 1 साल तक म्यूट करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ट्रिक। वक्त स्माइलीज भेजते हैं, तो यहाँ पर व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हम स्माइलीज के बजाय जिफ फाइल भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जिफ में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारा जिफ फाइल्स आ जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर जिफ फाइल सर्च करना है, तो आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे हाई वाला जिफ फाइल सर्च करना है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वाला जिफ फाइल मुझे सर्च करना है। तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे वाला बहुत सारा जिफ आएगा, देख सकते हैं। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसलिए लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारा जिफ फाइल आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप सीधा स्माइलीज भेजने के बजाय यहाँ पर जिफ फाइल भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ। तो आप इस तरह स्माइलीज भेजने के बजाय जिफ फाइल भी भेज सकते हैं। किसी को बीटिंग वाला बड़ा वाला हार्ट भेजना है, तो उससे क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर स्माइलीज में जाना, यहाँ पर आपको एक रेड वाला स्माइली मिलेगा, रेड कलर वाला हार्ट मिलेगा, वो वाला आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर रेड वाला हार्ट वाला स्माइली आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हार्ट का स्माइली पहले से मैंने सर्च करके रखा है, तो यहाँ पर आपको ये वाला स्माइली भेजना है। ये वाला स्माइली, उसके सामने कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ये स्माइली भेजना है। तो उसके बाद अगर आप सेंड करते हैं, तो देख सकते हैं एक बीटिंग वाला हार्ट वाला स्माइली आप किसी को भी भेज सकते हैं इस तरह। जो मैं बताने वाला हूँ उसमें अगर आप कोई भी ग्रुप में कोई भी मैसेज भेजते हैं और आपको पता लगाना है कि कौन कौन आपका मैसेज पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। ये मैंने भेजा हुआ है एक ग्रुप में, मैंने भेजा हुआ है। तो यहाँ पर ये मेरा फैमिली ग्रुप है, तो यहाँ पर मैं ये वाला मैसेज जो मैंने भेजा हुआ है, वहाँ पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आई जो बटन है, आई बटन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इतने लोगों ने मेरा मैसेज पढ़ा है। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं ग्रुप में, ये आपका कोई भी दूसरे मैसेज में भी आप चेक कर सकते हैं। जो ट्रिक है वो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि अगर आपको कोई भी मैसेज भेजता है और अगर आप पढ़ लेते हैं वो मैसेज को दिया हो, तो यहाँ पर ब्लू टिक गिर जाता है। अगर आपको ये ब्लू टिक अवॉइड करना है, मतलब कि अगर आपको मैसेज पढ़ना भी है लेकिन ये ब्लू टिक अवॉइड करना है, तो
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको आपके दूसरे मोबाइल में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेट ओके, यहाँ पर बैक जाने के बाद, यहाँ पर जाने के बाद सेटिंग्स में जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट में जाना पड़ेगा। अकाउंट में जाने के बाद प्राइवेसी में जाना पड़ेगा। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पर रीड रिसिप्ट डिफॉल्ट होके ऑन रहता है, यहाँ पर आपको ये डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ से मैं एक मैसेज भेजता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी मैसेज भेजता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पर मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, तो यहाँ पर ब्लू टिक नहीं गिरा है, तो यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ ये मैसेज। देख सकते हैं ब्लू टिक नहीं गिरा है। तो ये ट्रिक मुझे बहुत ही पसंद है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।